बैक टू कार एनर्जी, मैं सर मुकेश सिंह। आज जो गाड़ी है बहुत ख़तरनाक गाड़ी है, दिस इज सेंट्रो न्यू मॉडल और ऑटोमेटिक गियर पे। इस गाड़ी के अंदर किट लगाए मेरे को दो चार महीने हो गए, लेकिन वो फील जो है, जो गाड़ी चलाने में जो मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं आ रहा था। गाड़ी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो फर्स्ट गियर में ऑटोमेटिक में जैसे एक्सीलेटर दबाते हैं, गाड़ी जो उठनी चाहिए वो जर्क लेके फिर उठ रही थी। तो आज मैं इन भाई साहब को, ये भाई साहब आए मेरे पास यूट्यूब वीडियो देख के डायनेमिक एडवांसर का, तो आज इसके अंदर मैं डायनेमिक एडवांसर लगाया हूँ। मैं ये किट मैंने फिट करी है आज से दो चार महीने पहले। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये रिड्यूसर है, ये मैप सेंसर है, ये फिल्टर है, इंजेक्टर है। आज जो मैं इसके अंदर लगाया हूँ, मैं नॉर्मल एडवांसर हटा के मैं इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया हूँ। एंड बिलीव मी, आफ्टर पुटिंग दिस एडवांसर वी टुक अ ट्रायल। मतलब जो दिक्कत इस गाड़ी के अंदर था वो जैसे सरदर्द नहीं है गायब हो जाता है, वैसे गायब हो गया। इट वॉज़ अल्टीमेट, वी टुक अ ट्रायल, मज़ा आ गया। दिस इज़ ऑटोमेटिक सेंट्रो न्यू मॉडल, ये पुरानी वाली सेंट्रो नहीं है, न्यू मॉडल सेंट्रो है। दिस इज़ ऑटोमेटिक गियर, और अब गाड़ी चला के जैसे पेट्रोल है, इनफैक्ट पेट्रोल से भी बेटर है। वी टुक अ ट्रायल, इट वॉज प्लेजर ड्राइविंग। नाउ सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। ये किट लगाई आप बहुत, दिल्ली में भी रहते हो, मेरठ से आए थे, और मैंने कहा भी था थोड़ी खतरनाक गाड़ी है, इसके अंदर जो किट लगाऊंगा या तो मोटोजेन या मीजो प्रीमियम लगाऊंगा वो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, ऑटोमेटिक गियर है चल भी जाएगा, और चल ही रहा था। लेकिन वो जो गाड़ी उठाने में क्या प्रॉब्लम क्या था सर, बताना। कुछ नहीं, फर्स्ट गियर में जैसे उठाते थे नॉकिंग कर देती थी, झटका लेती थी बोलते, एक झटका लेके फिर निकलती। ये हर रेड लाइट पे कहीं पे भी रुकी गाड़ी, उठाने पे दिक्कत होती, वो तो बैठने वाले को भी दिक्कत, हमेशा एक बार हिलना फिर चलना, फिर हिलना फिर चलना, वो मज़ा नहीं आ रहा। और ये लगाने के बाद जो हमने ट्रायल लिया, क्या बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है सर, पेट्रोल चल रही है बिल्कुल, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, वही तो देख रहा था क्योंकि उसमें लाइट नहीं आ रही थी, आपने लैपटॉप से थ्रू कनेक्शन मिले होते हैं सेटिंग के लिए, उसमें पता नहीं चला था। मैं एक बार देखा यार पेट्रोल चलती है, समझ नहीं आया। देखो नॉर्मल एडवांसर क्या है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो मैनुअली सेटिंग है, ये लैपटॉप के द्वारा सेटिंग है, सारे सेंसर्स के साथ कनेक्शन है, जितना मर्जी हर एक गियर स्पीड के हिसाब से एडवांस कर सकते हैं। मज़ा है, आपके सामने टियागो में भी लगाया, बंदा बहुत खुश होके गया। और अभी फ़िलहाल मैं वर्कशॉप के अंदर सभी गाड़ियों में डायनेमिक एडवांसर के साथ ही किट लगा रहा हूँ। अगर ये पहले होता तो मैं इसके साथ ही लगाता, मैं उस टाइम मैं शुरुआत ही किया था लगाना, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं था इसके अंदर। आज तो कोई भी गाड़ी ले आओ, कोई भी गाड़ी, इवन मर्सिडीज़ ले आओ, ऑडी ले आओ, उसमें ये डायनेमिक एडवांसर लगा के दे दूँगा। अभी डेढ़ महीने पहले की बात है, हैदराबाद से बंदा आया, विकासपुरी से गाड़ी खरीदी, आउटलैंडर, और उसके अंदर मैंने किट लगा के दिया, और मैंने कहा डायनेमिक एडवांसर लगवा लो, कहने लगा नहीं चले दो चले दो। तो मैंने जब लगाया, जो उसका भी ऑटोमेटिक गियर था, वही एक बार जर्क और फिर, तो उसके बाद सेकेंड डे मैं इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया आउटलैंडर में, और भाई साहब मज़ा आ गया। और वो बंदा आज मेरा खास मित्र हो गया, वो हर एक दो चार दिन में अब फ़ोन कर देता है कि भाई साहब मज़ा आ रहा है। नहीं, यही चीज़ मुझे आपकी पसंद आई कि जो आफ्टर सर्विस जो कहते हैं ना, एक बार लगा दे सामान फिर भूल जाओ, वो वाला काम नहीं है, तो उसके बाद आते ही सुनवाई तुरंत होती है। चलो बहुत मज़ा आया सर, हैप्पी दिवाली आपको भी। थैंक यू एंड वी आर वेरी नियर टू एवरीवन हियर एट पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन। इफ एनी ऑफ माई फ्रेंड्स सेंट्रो हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर वो परेशान है, ही इज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू।